नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये गोपालपुरा बाईपास, यहाँ से ये वीडियो शुरू करके गुजर की थड़ी तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये यहाँ वसंत बहार कॉलोनी, यहाँ से ये वीडियो हमने शुरू कर दिया है। और इस हाईवे से जिसे वसुंधरा ने चौड़ा करवाया था, ये यहाँ तक जहाँ तक ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ तक ये जाम था, पूरा कब्जा किया हुआ था। आगे दो लाइन छोड़ी हुई थी, दो ट्रैक छोड़ी हुई थी, अभी ये चार ट्रैक खाली करवाया, दो ट्रैक खाली करा के चार ट्रैक का हाईवे। और ये गोपालपुरा बाईपास अभी भी कुछ टूटे हुए हैं, देखें आप, ये कुछ टूटे हुए हैं, इधर भी कुछ टूटे हुए हैं जो वसुंधरा ने तोड़े थे वो सब। अभी आइए बैटरी वाली गाड़ी में आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये भाई के साथ हम बैठ गए हैं और भाई को मैंने पूछा कि वीडियो बना लो, तो बोलता वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ चाहिए, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ से शुरू कर दिया है हमारा सफ़र, जो गुजर की थड़ी तक इस बाइक के साथ, इस बैटरी वाली गाड़ी में हम जाएंगे। यहाँ ये था आपका गोपालपुरा बाईपास, यहाँ से गुजर की थड़ी तक का 20 रुपया ये शेयरिंग में हमसे लेते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। 10 रुपये मैं बीच में जहाँ उतर वहाँ 10 रुपये बीच की सवारी का होता है। 10 रुपये क्या होता है? जैसे यहाँ से आप आए गोपालपुरा से पुलिया से नगर से और वहाँ तक 10 रुपये होता है? 10 रुपये होता है, पूरा कोच है 20 रुपये होता है। ओके ओके, रिद्धि सिद्धि तक या त्रिवेणी चौराया तक 10 रुपये, हाँ, और आगे का फिर 10 रुपये। तो इस तरह से ये पूरा 20 रुपये हो जाता है। नहीं हो तो 20 का हमने बोल दिया ना आपको, 20 रुपये आपको दे देंगे, 20 रुपये आपका है वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको आपने उसको हिस्सों में करके बता दिया कि कैसे ये 20 रुपये हो रहे हैं। सही बात, ये पूरा हाईवे वसुंधरा ने खाली करवाया, अभी भी कुछ काम चल रहा है या फिर कोई छोटी छोटी दुकानें हो गई अभी जो आगे तक आ रखे थे। और ये ब्रिज जो रेलवे लाइन के ऊपर से है, नीचे उतरते ही त्रिवेणी चौराया, कहाँ रहते हो आप? घंटा गेट से चारों तरफ पहुँचते रहते हो जयपुर में, और जहाँ से सवारी जहाँ सवारी मिल जाए वहीं चल जाते हैं। गाड़ी आपका नया लगता है? नया 2 महीने हुए। कितना? 2 महीने हुए। अच्छा, 2 ही महीना हुआ, नई गाड़ी है भाई की, आपकी अपनी है क्या? अपने। कितने की आई है नई गाड़ी? 1.65। 1.65। 1.65 में कितना डाउन दे के कितना किस्त बना दिया? हमने दिया डाउन पेमेंट दिया है 45,000 रुपये डाउन पेमेंट है। 45 डाउन दे दिया 1.65 में से, तो 1 के 20 बच गया, 20 बच गया। 15 किस्त है, 8,000 रुपये। 8,000 की 15 किस्त देनी है आपको, तो 15 60 1 20 हो गया। हाँ, तो उसका ब्याज ब्याज जुड़ गया उसमें। हाँ, ब्याज ब्याज जुड़ के ये हिसाब से ही पूरा हिसाब कर दिया, 15 महीने तक 8,000 महीने का देते रहेंगे और ये गाड़ी इनकी हो जाएगी। ये अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी है। और ये त्रिवेणी का इलाका आ गया, आगे त्रिवेणी सिग्नल, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है सर? ये जो पहले सब्सिडी मिलती थी बंद करती, अगर ये मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। सब्सिडी अभी नहीं मिलेगी आपको? नहीं मिल रही, बंद कर दी क्या अभी तो सरकार? नए नए
लेके आ रही है, कुछ फ़ायदे दे रही है, आपको नहीं मिला फ़ायदा। करो आप बात करो उनके साथ में कि भाई ऐसा ऐसा है, या तो बताएंगे हिंडौन चले जाओ, या फिर यहीं आपको कुछ कागज़ मांग लेंगे आपके आधार कार्ड जो भी है। और हिंडौन में कलेक्टर साहब ने वैसे घोषणा तो किया है अतुल कुमार शर्मा ने, हाँ अच्छा चालू नहीं हुआ तो फिर तो वो पता करना पड़ेगा आपको अपने इलाके के हिसाब से, या नहीं होता तो फिर हिंडौन में कराना पड़ेगा आपको, और वहाँ जब चालू होगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। मेरे हाथ में होता तो मैं करवा देता आपको। आप पत्रकार तो? अब मैं तो YouTube के लिए करता हूँ, वैसे पत्रकार नहीं हूँ। YouTube के लिए ये जैसे जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये YouTube पे जाएगी, तो पत्रकार का काम नहीं है असल में। ये जो काम है ये आपका सरकार करके दे रही है, और उसमें आप कैंप में जाओगे तो आपको कर देंगे जो भी है, मतलब जो उनका तरीका है उस हिसाब से वो कर देंगे। नहीं बोलने का तो कोई अभी तो वो है नहीं, तो बोलने का किसी का कुछ है ही नहीं। उतारो उसको, उतारो, ये शेयरिंग की गाड़ी है तो शेयरिंग वाले लोग उतरना चाहते हैं, इसीलिए मैं आगे बैठता हूँ कि आगे से वीडियो थोड़ा सही हो जाता है। कभी लिया था? कितना महीना हो गया? 2 महीने हो गए। अच्छा 2 महीने हो गए आपके, तो उससे पहले क्या करते थे? पहले किराए का चला, उससे पहले भी चला रहे थे। किराया कितना देते थे उसका? किराया देते थे 350। वो कितना दिन चलाया फिर? वो तो बहुत काफ़ी चलाया, वैसे मैंने पेड़ वाला भी चलाया, पेड़ वाला साइकिल वाला भी चला लिया। अच्छा कई मन को भी चला लिया वो तो मैंने। हाँ हाँ, तो उसके बाद ये लिया, वो अच्छा था कि अच्छा है किराए का? अब इसमें ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें ये टेंशन थी कि वो बोलते कि आप आ जाओ भाई, जब जाना पड़ता। अभी इसमें ये है कि अपन को जैसे 9 बजे 10 बजे तक हम चला रहे हैं। आपकी आपका हो गया, मन की मर्जी होगी। हाँ मन की मर्जी होगी, जितना कमाएंगे वो आपका हो जाएगा। हाँ तो वो बुला लेते नहीं, क्यों बुलाते क्यों नहीं? वेट नहीं करना चाहते ना, उनका टाइम बना रखा है उन लोगों ने। अच्छा, जैसे 10 बजे जमा करके अपने घर जाएंगे, परिवार भी देखेंगे। हाँ हाँ, तो फिर आपको उस टाइम बोल देते आ जाओ भैया जमा करा दो।
अपना धंधा हो गया जी, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। कुल मिला के ये रोज़गार आपका ठीक है जी, हो जाता है, हाँ गुजारा चल जाता है, दाल रोटी मिल जाती है, दाल रोटी हो जाता है जी, सही है ये आपका। हाँ हाँ, और कोई खर्चा है नहीं, बस बैटरी चलती रहती है, बैटरी को चार्ज करना तो चलती रहेगी। 100 रुपये उसका भी देना पड़ता है चार्जर, बैटरी का भी 100 रुपये रोज का है, तो महीने का 3000 वो भी हो गया, खर्चे तो लगते ही हैं। वैसे मेंटेनेंस खर्चा ले, ये पैसे तो आते रहे, नई गाड़ी का मेंटेनेंस आता है। हाँ एक दो साल तो कुछ मेंटेनेंस नहीं आएगा, और दो साल, हाँ दो साल से कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, और अपने ऊपर जैसे चलाएंगे। हाँ वो तो फैमिली से तो दूसरे का क्या, हाँ सही, नहीं सही चलाते रहोगे तो चलता रहेगा सही। वैसे जैसे हम इसका जितना ख्याल हम रखेंगे इतना आवार रख देंगे, बिल्कुल ये बात, नहीं तो खर्चा मांग लेंगे थोड़ा सा, रब चलाओगे ये है वो है तो खड्डे वड्डे में नहीं ध्यान दोगे तो थोड़ा फिर आप उसे खर्चा मांगेगी। वही तो बात है, जिसमें हम इसका ख्याल रखें। तो इस तरह से ये गुजर की थड़ी तक हमने ये सफ़र किया, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।